नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमोस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्यै नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम शांति। हम सभी महालक्ष्मी जी माँ के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। घर की सफाई के साथ साथ, रंगाई के साथ साथ, अपने आप की भी सफाई की तैयारी। इस श्रृंखला में हमने कल बात की थी वाणी की सफाई। हमारी वाणी दूसरों के प्रति सुखदायी हो, कमेंट करना, टोंट कसना, अननेसेसरी टोक टाक करना, उपहास उड़ाना यानी मजाक करना, ये सभी वाणी की शक्ति को नष्ट करती है और आपसी संबंधों को खराब करती और इससे घर में महालक्ष्मी जी नहीं आते हैं। भले धन आ जाता है लेकिन सुख समृद्धि नहीं हो पाती। आपसी कलह कलेश बढ़ जाते, धन में कहीं बरकत नहीं होती। संकल्प कर ले हमें बदलना है, ताली दो हाथों से बजती है, हम अपने आप को ठीक कर ले। वाणी की स्वच्छता पवित्रता के लिए परमात्मा ने कहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, पहले तोलो पीछे बोलो, ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। आजकल घर में सिविल वार कितनी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर। एक के कहने का तरीका पसंद नहीं, दूसरे का उसे सुनने का तरीका पसंद नहीं, बस। इसलिए अपनी वाणी पर अवश्य अटेंशन दे। वाणी ज्ञान युक्त हो, दूसरों को प्रेरणा देने वाली हो। अननेसेसरी बहुत बोलने से हमारी वाणी की वैल्यू कम हो जाती, हमारी वैल्यू कम हो जाती। तो एक बहुत बड़ी साधना है दीपावली के उपलक्ष्य में महालक्ष्मी जी का आह्वान करना, एक बहुत बड़ी साधना है। आपके घर में लक्ष्मी जी आने वाली है इस बार, इसलिए माँ लक्ष्मी जी का ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। महालक्ष्मी जी के आह्वान में तीसरा कदम बढ़ाएं और वो है कर्म की सफाई, यानी कर्म भी सभी के लिए सुखदायी हो। हमारे तन से कोई ऐसा कर्म न हो, हमारे हाथों से कोई ऐसा कर्म न हो, हमारी दृष्टि और कानों से कोई ऐसा कर्म न हो जो खुद को दुख दे और दूसरों को दुख। शारीरिक शक्ति का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, अपने कर्म का अभिमान, अपनी सफलताओं का अभिमान, अपने पद पोजीशन का अभिमान कितने प्रकार के विकर्म करा देता है, दूसरों का शोषण करा देता है। पता भी नहीं चलता खुद को कैसे अपना अहंकार बढ़ता जाता है, बड़ों का भी अपमान करा देता है। तो ध्यान देंगे अपने कर्म की पवित्रता पर, और कर्म की पवित्रता के लिए सबसे प्रमुख बात है हम किसी को भी देखें, आत्मिक भाव से देखें। हम सभी आत्मात्मा एक परम पिता परमात्मा की संतान है। श्रेष्ठ कर्म उसे ही कहेंगे जो अपने आप को आत्मा समझकर दूसरे को भी आत्मिक दृष्टि से देखे। जी हाँ, ये सत्य है
हम सभी आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की संतान जिसका स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। ऐसे परम पिता परमात्मा के संतान हम सभी भी आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा भृकुटी में निवास करते, आत्मा का रूप भी वैसा ही है जैसा परम पिता परमात्मा का रूप। ये शरीर तो हम सभी का एक वस्त्र है, जिसे धारण करके इस सृष्टि रंग मंच पर हम आप सभी अपना कर्म कर रहे हैं। परंतु शरीर के हिसाब से हम सभी ने अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, रंग, परिवार में जन्म लिया है, परंतु ये तो एक क्षणिक विभिन्नता है। हम शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है, और आत्मा होने के नाते सारा विश्व एक परिवार है, क्योंकि महाज्योति परम पिता परमात्मा की हम संतान है। और ये कितनी खुशी की बात है कि फिर से इस भारत भूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण जी का राज्य होने वाला है। भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। और ऐसी खुशी की खबर सुनकर हम सभी कितने हर्षित हो रहे हैं। आइए व्यक्तिगत रूप से अपने आप को तैयार करें, वो दुनिया जल्दी से जल्दी इस संसार में स्थापित हो जाए, महालक्ष्मी जी का राज्य स्थापित हो जाए, घर घर में खुशहाली हो जाए। बस अपने कर्म पर अटेंशन देना है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, यही संकल्प बार बार दोहराना है। कोई बदले या ना बदले, इंतजार किसी दूसरे का नहीं, अपने आप को बदलना, बस यही सीक्रेट है, यही सूक्ष्म पुरुषार्थ है। अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में सुख समृद्धि का यही आधार है। आइए कर्मों की शुद्धता को लगातार जारी रखें। इस महा अनुसंधान को करके हम इस बार अपने घर में लक्ष्मी जी को अवश्य वेलकम करेंगे और उन्हें ठहराएंगे। ओम शांति। लक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्वजनन्य